वेलकम वेलकम बैक बैक टू टू माय न्यू व्लॉग व्लॉग। अब बोलो पूरा बोलो यार, इतने दिनों से तो याद होना चाहिए यार। अरे चल कोई बात नहीं, आप याद कर लेना। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। तो यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत ज़्यादा मस्त होंगे। मम्मी को भी लेना है क्या? लेने के मम्मी व्लॉग में लेना है क्यों? बोल लो फिर। मम्मी बोल रही पीछे से, मेरे को भी ले ले। फिर मैंने बोला कि अभी बोल रहा हूँ, बाहर नहीं आ रही मम्मी। मुझे ये वाली ठंडों की ड्रेस इतनी पसंद थी ना यार, तो फाइनली मैंने आज निकाली और आज से पहनने लग गया हूँ मैं, क्योंकि ठंड भी आई गई है। तो अब से तो रेगुलर ही मतलब स्वेटर ही पहननी पड़ेगी, क्योंकि अभी वैसे मतलब लग रही गर्मी तो लग रही है, मतलब पहनने का नहीं हो पा रहा। पर कभी भी ठंडा हो जाता है ना, हल्द्वानी में कोई फिक्स टाइम नहीं, मतलब कब ठंडा हो जाए कब गर्मी हो जाए। तो यार अभी हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए। घूमने के लिए कहाँ जा रहे होंगे सोचो? कहीं भी जा सकते हैं वैसे तो। अभी मैंने मनीषा को कॉल कर दिया है, उसको लेने जाएंगे हम। उसके बाद पहले कुछ खाएंगे, पहले मुझे भूख लग रही बहुत ज़्यादा। मैंने उसको बोला कुछ खाने जाएंगे पहले, क्योंकि घर में आज खाना नहीं बना था। घर आज नानी मम्मी ने खाना ही नहीं बनाया था घर में, क्योंकि इतनी भूख लग रही ना। सुबह बना लिया था, आज दिन में नहीं बनाया इसलिए कुछ। तो दिन में आज मैंने कुछ नहीं खा रखा, तो अभी मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। पहले जाएंगे कुछ खाने के लिए, उसके बाद घूमने जाएंगे। और यार नानी तो यहाँ पे रुई बीन रही है, मतलब रुई में से क्या निकालो नानी? बीज निकाल लोगे? रुई में जो बीज होते हैं ये प्योर रुई है ना? प्योर रुई है। हमारे उधर पे खेत पे लगती रुई है, प्योर रुई है। पूजा के लिए काम आती है ना, शुद्ध रुई है। अच्छा, मतलब पूजा के लिए मतलब कर रहे ना अभी। और ये टफी तो अपने यहाँ पे आराम से बैठा है। टफी तो यार अंदर से हम लोग लाते हैं पहले अपना बैग और जूते वूते पहन के, हेलमेट पहन के निकलते हैं। फिर अधेरे के तो इस कमरे में, मेरे कमरे में बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है, क्योंकि यार मैं एक तो ये पर्दे वर्दे खोलता नहीं हूँ, तो एक इसी लाइट के सहारे उजाला होता है, क्योंकि यार धूप आती है ना फिर अच्छा नहीं लगता यार। हेलमेट पहन लिया है और अब चलते हैं सीधे। यस हाँ, ये वाली दवा लानी है। कौन सी? बिल्कुल यही दवा लानी है। कौन किसकी चीज़ की दवा है? एक खांसी की दवाई है, बहुत बढ़िया, इसी को लाना बिल्कुल। ठीक है, किसकी मम्मी की आपकी है? ये दोनों के काम आ जाएगी। चलो यार चलते हैं फिर अब। और एक चीज़ बतानी थी यार मुझे, कि मैं पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि मैंने एक चीज़ ऑर्डर कर रखी पर वो मैंने बता नहीं पाया, उसके लिए सॉरी, मैं भूल जा रहा था। तो ये जो गोप्रो है, मैं बोला था कि गोप्रो के काम की चीज़ है, तो गोप्रो का जो मीडियम मोड है वो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, तो मैंने वो ऑर्डर कर दिया है। तो वो आ जाएगा अराउंड कल परसों आ जाएगा, मैंने बहुत पहले ऑर्डर कर दिया था, तो कल परसों आ जाएगा। तो फिर कल परसों से आपको जो मोटो ब्लॉग है बहुत ही प्यारे देखने को मिलेंगे, मज़ा आ जाएगा, सच में कह रहा हूँ। तो वेट करते हैं फिर कल परसों का, जब तक आ जाएगा फिर देखना मोटो ब्लॉग कैसे बनते हैं। आज मुझे याद आ गया कि मनीषा ने कहा था हेलमेट ले आना, वरना ऑर्डर में हेलमेट ही भूल जाता हूँ। मतलब घूमने जाते हैं और हेलमेट ही भूल जाते हैं, फिर भानू के हेलमेट लेना पड़ता है। गोप्रो होकर भी मैं फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि यार इसमें आवाज़ सही आती ना, क्योंकि फ़ोन में। अभी गोप्रो में आवाज़ इसमें सही आ रही, क्योंकि इसका जो माइक है तो उतना मतलब अच्छी क्वालिटी नहीं देता माइक। तो यार आज हम लोग सोच रहे कि कोई नई जगह जाते हैं, क्योंकि रोज़ एक ही जगह जाते हैं हम लोग रॉकन साइड। तो आज हम थोड़ी नई जगह जाएंगे, थोड़ी सी नई जगह। सर अभी हम लोग जा रहे हैं गोला पार्क का जो स्टेडियम है वहाँ, क्योंकि यार हल्द्वानी वैसे स्टेडियम तो काफ़ी कम है, पर एक गोला पार्क में है स्टेडियम, जो कि शायद से इंटरनेशनल स्टेडियम बनाया है आई थिंक। मतलब मुझे कन्फर्म नहीं पता कि इंटरनेशनल स्टेडियम है कि नहीं है, पर वहाँ क्रिकेट के मैचेस होने वाले थे मेरे सुनने में आया, पर अब वो खाली ऐसे ही पड़ा है, बंद पड़ा है शायद। तो यार जब खोल देते तो कुछ बना भी देते यार। तो यार ये स्टेडियम देखने आए थे आज हम लोग, क्योंकि मैंने ये स्टेडियम आज तक का नहीं देखा था, बंद बहुत ही पहले गया था, पर ये बंद पड़ा है यार। ये आने क्यों नहीं दे रहे होंगे अंदर? बंद पड़ा है यहाँ पे पता है खली का मैच हुआ था यार। आप सभी लोग ना द ग्रेट खली को तो जानते होंगे, जिनके कुछ दिन पहले बहुत सारे इंस्टाग्राम में कमेंट्स चल रहे थे बहुत तरीके के फूट पटांग। तो यार ऐसे मत करा करो यार, खली सर के उसमें कमेंट, खाली खली सर अगर एक बार हाथ भी रख ऐसे रख देंगे ना तो वहाँ पहुँच जाओगे ऊपर पे, तो ऐसे मत करा करो। तो खली सर का यहाँ पे मैच था, तो यहाँ पे आए थे खली सर, मैं नहीं आ पाया था उस टाइम पर, क्योंकि मेरे पास कोई गाड़ी नहीं थी उस टाइम पर। उसका हुआ था वैसे कुछ याद है मुझे तो, मैं इतना याद है उस टाइम में मेरे कुछ गाड़ी नहीं थी, उस टाइम में मैं साइकिल में घूमता था। तुम आए थे? पता है मुझे 2018 में हुआ था। अरे नहीं तुम आए थे वैसे देखने मैच? कौन आएगा यहाँ, मैं आने के लिए था। वो पता उसका एक बहुत स्पेशल कूपन्स मिले थे वो नहीं, जो ऐसा था ना जब वो उसका मैच हुआ था यहाँ, तो मतलब उसका क्या कह रहा हूँ यार, सॉरी यार खली सर, उनका जब मैच हुआ था यहाँ तो उनके जो फ्री कूपन भी बांटे गए थे यहाँ, जो मतलब फ्री में जो अंदर जाते थे, वरना ऐसे टिकट भी था उनका, फर्स्ट सीट में बैठने का इतना ज़्यादा था, लास्ट सीट में बैठने का कम था। तो यार काश हम भी जाते, पर अब होगा तो अब तो आ सकता, तो बड़े हो गए हैं,
आ ही सकते हैं। हम तो बहुत बड़े हो गए यार, हम तो बहुत ही बड़े हो गए। वो खुला है, वो ओपन है, ऊपर से कुछ लगा है वो, ये इंडोर होगा। क्या दिमाग यार तुम पे, मतलब कितना दिमाग यार। यहाँ पे स्टेडियम जब बना रखा है यार, ये देखो स्टेडियम के बाहर का, ये यहाँ पे क्या गंदगी मचा रखी है यार। ये कोई स्टेडियम होता है? ये कोई स्टेडियम होता है? मैं दिल्ली गया वहाँ, सुनो मैं दिल्ली भी गया हूँ, देहरादून भी गया, वहाँ के स्टेडियम देखे ना, बिल्कुल अलग, मतलब बिल्कुल अलग। चले फिर, मज़ा आया यहाँ? हाँ। अच्छी जगह है, पर यार खुल जाता काश कि यहाँ आते घूमते खेलते। नहीं आने देते, क्यों नहीं आने देते यार, ऐसी बात तो नहीं है। जब बना रखा तो आने तो देते ना यार, ऐसी बात थोड़ी है कि मतलब बंद करे रखते हमेशा। खोल दो अगर कोई देख रहा है, जो मतलब किसी के अंदर इतनी पावर है इसको खोलने की, तो खोल के दिखा दो यार। चलो फिर चलने आ जाओ। यार अभी थोड़ी देर के लिए हम लोग यहाँ पे रुके हैं ब्रिज के, यहाँ पे मनीषा पे, यहाँ पे इसने बोला था रोकने के लिए, रोकते हैं, बोल ली थोड़ी देर तक रुकते हैं, यहाँ फोटो वोटो खिंचाते हैं थोड़ी बहुत। और यार यहाँ से सनसेट ऐसा दिख रहा है कुछ, बड़ा सही दिख रहा है बड़ा। ये घोला पहाड़ है, वो सन है और सनसेट हो रहा है। हाँ ये गोला है, वो सन है और सनसेट हो रहा है, अब सही है। आप देख रहे हो यहाँ पे बच्चे भी खेल रहे हैं, ये देखो फुटबॉल खेल ले, क्या खेल ले, क्रिकेट खेल रहे हैं शायद से, लगता है क्रिकेट खेल के सीधे यहीं से स्टेडियम भी जाएंगे। वो रहा स्टेडियम, स्टेडियम भी दिख रहा है यहाँ से, यहाँ से दिख रहा है, साफ दिख रहा है एकदम। क्रेन भी दिख रही है, देखो क्रेन। चलो फिर चलते हैं यहाँ से, फोटोज तो खींची नहीं हमने यार। अभी अभी जस्ट मैंने मनीषा को एक चीज दिखाई है, मतलब एक चैट के स्क्रीनशॉट जो कह रहा हूँ, मतलब इंस्टाग्राम में मैंने चैट दिखाए इसको, तो क्या कहना है उन चैट्स के बारे में? पहचान कर लिया तुम्हें, मत भूल जाना। मतलब वो कोई भी नॉर्मल इंसान के चैट्स नहीं थे, मतलब था कोई बड़ा इंसान ही है वो जिसके साथ चैट्स हो। तो बाद में बताऊँगा, इन फ्यूचर मेरे बहुत अच्छे अच्छे प्लान्स हैं, तो जब सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएंगे तो बहुत आगे जाएंगा। तो बता, फ्यूचर में मेरे बहुत बड़े बड़े प्लान्स हैं, मतलब आई नो, बट मुझे मत भूलना। ऐसा तो नहीं हो सकता यार। गोलगप्पे खा रहे? गोलगप्पे खा लो ना। अरे कौन सा रोज आते हैं? रोज थोड़ा आते हैं, मैं तो रोज ही आती हूँ इस साइड। तो खाते क्यों नहीं? तुम्हारा फेवरेट क्या है? टिक्की की, गोलगप्पे, क्या फेवरेट है सबसे ज्यादा फेवरेट क्या है? चाउमीन। तभी तो चाउमीन जैसी होगी, पतली पतली। तो इसने मंगा रखी यहाँ पे टिक्की बिना मीठी वाली चटनी डाले हुए, क्यों? मिर्ची डाल रखी है, मीठी चटनी नहीं डलवा रही, ऐसी तो लड़की हो रही है। तो मेरी टिक्की भी आ चुकी है, इसकी भी आ चुकी है, जल्दी से खाते हैं फिर कुछ और मंगाएंगे, ठीक है? सर टिक्की तो खा ली मैंने, अब ये मंगा रखे हैं सॉफ्ट बता दिए, बहुत तगड़े होते हैं यार। यहीं पर गिरा था, यहाँ पे गिरा, यहाँ पे गिरा था। क्या टिक्की यहाँ से खा लिए मैंने, और इससे दो दो खा लिए, दो दो टिक्की खा के, दो दो टिक्की। तो अभी मैं यहाँ पे खा रहा हूँ पानी के बता से। मज़ा आ गया इतना तगड़ा मज़ा आ गया। कल यहाँ खाया होता तो मज़ा आया था, कल मैंने जहाँ खाया ना इतनी बकवास टिक्की बनाई थी उन्होंने, इन्होंने इतनी तगड़ी बनाई, मज़ा आ गया। तुम्हें तो ऐसी लगी? चलो आओ घर चलो, आज तो पेट भर के खा लिया दोनों ने। ला हेलमेट लगा दो, इसमें लगा दो। तो मनीषा को तो मैंने आज यहीं पर ही छोड़ दिया है, मतलब इसकी कॉलोनी थोड़ा दूर है, आज यहीं पर से जाओ, ठीक है? चलो बाय। तो फिलहाल अभी हम लोग चलते हैं सीधे घर को। सर फिलहाल अभी गाड़ियाँ चल रही थी रास्ते में, तो मैंने अपने गॉगल्स पहन लिए हैं, और इनकी जो स्पेशलिटी है ये मैं आपको घर जाके बताऊंगा कि ये मतलब किस काम के आते हैं, मतलब बहुत ज्यादा यूजफुल है खासकर मेरे लिए। आ जाओ नानी, बैठो नीचे, साथ में आएंगे सब लोग। अम्मी आ जाओ, चलो आओ नानी, बैठो, आओ बैठो। नहीं बेटा मैं नहीं खाती। क्यों नहीं? क्यों क्यों नहीं? नहीं अरे क्यों? पर हम पूजा करने जा रहे हैं तो खा नहीं रहे? नहीं। अरे यार सर अब मैं बताता हूँ कि इस चश्मे का मतलब फायदे क्या है। अभी जब मैं आ रहा था ना गाड़ी से, तो आगे वाले गाड़ी वाले लाइट मार रहे थे, तो इस चश्मे से क्या इसको पहनोगे ना आंखों में एकदम सीधे लाइट नहीं लगती, एकदम डिम हो जाती है लाइट, पर दिखता आगे का एकदम क्लियर है, और आंखों में जैसे कीड़े पड़ आते नहीं, मतलब रात के टाइम कीड़े आ जाते हैं आंखों में, जिसकी वजह से वो भी नहीं आ रहा, तो एकदम बेस्ट चश्मा लगता है। रात के टाइम में मैं यूज़ करता रहता है इसको। सर अभी तो यार फिलहाल मुझे दवाई लेने जाना है, मम्मी की मैंने दवाई लाना भूल गया था, क्योंकि मैं सीधे घर आ गया था डायरेक्ट, तो अभी वापस वहाँ जाते हैं, दवाई लेके आते हैं, फिर वापस आएंगे घर पे। नानी कुछ लाना है खाने के लिए? कॉफी, मूंगफली उंगफली कुछ? कॉफी पी रहा है? मैं नहीं पी रहा, मूंगफली नहीं, खांसी हो रही है।
भाई ठंडा कितना हो रहा है यार, बाय गॉड मैंने हैंगर एक सिंगल कपड़ा पहन रखा। तेरा अभी जस्ट हम यहाँ पे आए थे, यहाँ इतने सारे डॉग्स हैं यहाँ पे, तो देखे भी इतने सारे डॉग्स सामने तो है। हमने दवाई ली, उसके बाद थोड़ी देर हम लोग घूमे थे साथ में, अभी अब चल चलो हम जा रहा, तो राहुल तो घर जा रहा है देख लो। चल भाई, चल हम लोग भी अब चल रहे हैं सीधे घर को, गाड़ी यहीं पर ही खड़ी कर दी हमने, नीचे तक गए थे हम घूमने के लिए। सर गए सर, अभी अभी जस्ट में आया, एक दिक्कत हो चुकी है। दिक्कत क्या हुई कि मम्मी से मैंने बोला चैनल खोलने के लिए, मम्मी ने चैनल नहीं खोला, तो मैंने गाड़ी ऐसी चढ़ाई ऊपर को, तो गाड़ी का जो ये है ये फंस गया दरवाजे में, तो ये हो चुका पूरा टेढ़ा, ये देखो पूरा टेढ़ा हो चुका है आगे से, ये देखो ये। अब यार मुझे सही करना पड़ेगा, घर में सही हो जाए बस यार, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि इसको मैं वापस से शोरूम ले जाऊँ, क्योंकि शोरूम यहाँ से बहुत दूर है, और खाली फिर इसको मोड़ने मोड़ने में थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। देखता हूँ फिर मैं इसको सही करता हूँ यार, फिलहाल मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है यार। अच्छे तो गाइस फाइनली मैंने इसको थोड़ा बहुत मतलब पैर से दांत मार के मतलब थोड़ा सीधा कर दिया है, अभी कल मैं इसको दिखा दूंगा मतलब गाड़ी को, मतलब थोड़ा सीधा तो हो ही गया वैसे, पर मैं टाइट कर दूंगा। और इधर आवाज़ नहीं कहाँ से आ रही है, ये तो ऐसी आ रही है आवाज़, पर यार एक बार मैं कल दिखा दूंगा गाड़ी को कि कोई नट अट कहीं ढीले तो नहीं है ना। मम्मी से मैंने दरवाज़ा खोलने के लिए बोला था, मम्मी ने खोला ही नहीं, चैनल लगाया था मम्मी ने, तो मैंने ऐसी चढ़ा दी गाड़ी। मैंने सोचा कि मैं भी हीरो बन रहा था, मैंने सोचा कि भयंकर खुल जाएगा ऐसी चैनल। सर गाइस सर, अभी बज रहे हैं मॉर्निंग के 8:30, और अभी मैं जा रहा हूँ जिम को, क्योंकि जिम का मैंने बहुत दिनों से ब्रेक ले लिया था, कम से कम 10-15 दिन का ब्रेक ले लिया था, और इसलिए बॉडी मेरी बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी, और मेरे शोल्डर्स भी डाउन हो गए थे, बहुत लोग कह रहे थे कि आप पहले जैसा नहीं लग रहा है, तो आज से मैंने जिम स्टार्ट कर दिया। और अगर आपको जिम के ब्लॉग्स चाहिए तो यार बताना फिर कमेंट्स में, आपके लिए ले आऊँगा वाले ब्लॉग भी। तो आज के ब्लॉग कहीं पर एंड करते हैं, आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, और पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे न्यू तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।